वाराणसी हमारी भारतीय सभ्यता के हजारों वर्षों की बहुमूल्य परंपराओं की विरासत संजोए हुए है, जिसमें 2014 में एक नया अध्याय जुड़ा जो काशी में विकास की गाथा की नई शुरुआत थी। पहली बार इस संसदीय क्षेत्र का सांसद बनने के बाद मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। इसके साथ ही इस क्षेत्र का नए सिरे से कायाकल्प होना शुरू हो गया। बीते 9 साल में पीएम मोदी ने काशी की सूरत बदल दी है। अपनी पुरातन काया के साथ बनारस ने विकास की नई ऊंचाइयां पाई हैं। कोरोना काल में जब पूरी दुनिया के विकास की रफ्तार धीमी हो गई थी, उस वक्त भी बनारस में विकास परियोजनाएं गतिमान नहीं। पीएम मोदी के प्रयासों और विकास योजनाओं की बदौलत आज बनारस का यह नया रूप पूरी दुनिया के सामने है। लेकिन 2014 के पहले बनारस में दुश्वारियों का पहाड़ था। दूसरे शहरों की तरह यहाँ भी बद इंतजामी थी, सड़कें जर्जर थी, बिजली पानी का संकट था। पर बड़े ही कम समय में भी किसी शहर में कैसे बदलाव लाया जा सकता है, इसकी बनारस एक जीती जागती मिसाल है। काशी की प्राचीनता से मेल खाते लैंप पोस्टों से निकलती दूधिया रोशनी आपको अब पूरे शहर में दिखेगी। इसके अलावा रिंग रोड, रामनगर मल्टी मॉडल टर्मिनल, बाबतपुर फोर लेन, 6 से ज्यादा एसटीपी, सीवरेज पंपिंग स्टेशन, सीएनजी पीएनजी सेवा, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, लहरतारा चौका घाट फ्लाईओवर, ई बसें, रेलवे, बीएचयू की सुपर स्पेशलिटी, एमसीएच विंग, कैंसर अस्पताल, पेरिसेबल कार्गो, नमो घाट, बायो सीएनजी प्लांट, करखियावाओ प्लांट और जल परिवहन सहित दर्जनों सौगातें मोदी जी ने क्षेत्र को दी हैं। वहीं काशी विश्वनाथ मंदिर का विस्तारीकरण और सौंदर्यीकरण से मंदिर परिसर के नए और भव्य स्वरूप से काशी नगरी खिल उठी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 13 सितंबर 2021 को काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का लोकार्पण किया, जिसके बाद यहां आने वाले श्रद्धालुओं में जबरदस्त इजाफा हुआ है। मोदी जी ने काशी को दुनिया में भी एक नई पहचान दिलाई। यहां जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रैंक वाल्टर के अलावा दुनिया के कई दिग्गजों ने भी भ्रमण किया है। इसके अलावा 2019 में प्रवासी भारतीय सम्मेलन काशी तमिल संगमम के साथ ही G20 सम्मेलन की 6 बैठकों से काशी का नाम देश दुनिया में बढ़ा। वर्तमान में बदलते बनारस की तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं कि जो आज है वो कल से बेहतर है और आने वाला कल भी जो होगा वो मोदी जी के नेतृत्व में आज से शानदार होगा। हर हर महादेव, हर